नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, जो है आपका सबसे पसंदीदा और प्यारा चैनल संजीव गोस्वामी। और इसके बाद हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के बारे में, जो है सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन है सिंटैक्स की एक्सरसाइज नंबर 72, टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश से। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बताना चाहूंगा, सिंटैक्स है ग्रामर इंग्लिश की वो स्पेशल ट्रिक जिसके बगैर किसी भी कंपटीशन में आप सक्सेस नहीं पा सकती और ना ही किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते। बिकॉज आप जब भी कुछ लिखते हैं, चाहे वो कंपोजिशन कर रहे हों, ऐसे लिख रहे हों, एप्लीकेशन लिख रहे हों, आर्टिकल लिख रहे हों, अगर आपको ग्रामेटिक ट्रिक्स नहीं पता कि इंग्लिश को प्रॉपरली कैसे लिखना है, तो ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जब उसे एवेल्यूट किया जाएगा उसमें इतनी मिस्टेक्स होंगी, उसमें आपको 4-5 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेंगे। बट अगर आपको सिंटैक्स के रूल्स अच्छे से पता है तो इन सभी एग्जाम्स में आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। तो आज का वीडियो 25 नंबर का जो सेंटेंस है एक्सरसाइज नंबर 72 का, वहां से शुरू करेंगे। मैंने ऑलरेडी वो चीजें अंडरलाइन कर दी हैं जहां पर हमें करेक्शन करना है, और कुछ करेक्शन लिख लिए हैं जिससे आपका कम से कम समय में सॉल्यूशन कंप्लीट हो सके। आइए शुरू करते हैं। सीता एंड सुनीता हेल्प वन अनदर। ध्यान दीजिए, जब केवल दो लोगों की बात होगी तो कभी भी वन अनदर नहीं आएगा, बल्कि आएगा ईच और हो जाएगा अदर। क्लियर? वन अनदर कब आता? जब यहां दो से अधिक सीता सुनीता के साथ गीता होती, तब यहां पर वन अनदर। दो तक ईच अदर आप नोट कर सकते हैं, और दो से ऊपर के लिए वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट रूल समझेंगे। आई एम वन ऑफ देम, वन ऑफ देम नहीं आएगा कभी भी, यहां आएगा वन ऑफ दो हु फेस ट्रबल्स। क्लियर? नेक्स्ट, दे दैट टॉक मच डू लिटिल, तो यहां भी देखिए दे दैट कभी नहीं आएगा, क्या आएगा? दे की जगह पर आएगा दोस, और दैट की जगह पर आएगा हू। दोस हू टॉक, जो बात करते हैं मच अधिक, डू लिटिल करते हैं थोड़ी। ऑल माई पेंस, कभी माइन नहीं आएगा, यहां आएगा ऑल माई पेंस आर यूजलेस, मेरे सारे पेंस यूजलेस हैं। नेक्स्ट, ही ऑलवेज एबसेंट फ्रॉम द स्कूल, वो हमेशा स्कूल से एबसेंट रहता है। तो ऐसी कंडीशन में एबसेंट टाइप की जो वर्ब है वहां हिमसेल्फ आ जाता है, तो ही ऑलवेज एबसेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल, वो खुद ही स्कूल से एबसेंट रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है। अगला, सच स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड सक्सीड, यहां भी सच नहीं आएगा, दोज स्टूडेंट्स, वे छात्र हु वर्क हार्ड, जो परिश्रम करते हैं आप लोगों की तरह, सक्सीड, सफल होते हैं। नेक्स्ट, आई हैव रेड प्लेटोज राइटिंग्स हु वाज ए डिसिपल ऑफ सोक्रेट्स, मैंने प्लेटो की पुस्तकें पढ़ी जो सुकरात के शिष्य थे। इस कंडीशन में प्लेटोज राइटिंग्स नहीं आएगा, द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो हो जाएगा, ऑपोजिट कर देंगे इसका। ठीक है, तो द राइटिंग्स ऑफ प्लेटो, प्लेटो राइटर है, और जो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम बाद में ले जाएंगे, उससे पहले ऑफ लगाकर राइटिंग्स को पहले ले आएंगे। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही हो वो पहले आ जाएगा। वॉन्टेड अ मैन टू ग्रूम हॉर्सेज विद अ फर्स्ट क्लास कैरेक्टर, एक आदमी की जरूरत है, तो वॉन्टेड अ मैन नहीं, अ मैन इज वॉन्टेड, एक आदमी की आवश्यकता है घोड़ों की देखभाल के लिए, उन्हें ग्रूम करने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी। बाय।